टेक टू पुष्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों 3 जुलाई को टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन ने अपने रिचार्ज प्लान्स को इंक्रीज किया था। अब ऐसी न्यूज आ रही है कि नेक्स्ट 1 ईयर में अपने रिचार्ज प्लान्स को कई बार इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर्स में आपको 4G के प्लान्स अलग देखने को मिल सकते हैं या 5G के प्लान्स अलग देखने को मिल सकते हैं। जैसे अभी जो ऑपरेटर ने क्या किया है कि 2GB से पर डे से ऊपर वाले रिचार्ज पे सभी में आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिल रहा है, बट इन फ्यूचर हो सकता है अनलिमिटेड 5G डेटा भी बंद हो जाए और 5G के प्लान भी डिफरेंट हो जाए। तो डिटेल्स में बात करेंगे आज के वीडियो में कि किस तरह से नेक्स्ट 1 ईयर में टेलीकॉम ऑपरेटर अपने रिचार्ज प्लान को इंक्रीज कर सकते हैं और इससे टेलीकॉम ऑपरेटर को कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कितना ज्यादा फायदा हुआ था। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों डिटेल्स में बात करते हैं कि किस तरह से टेलीकॉम ऑपरेटर अपने रिचार्ज प्राइस को नेक्स्ट 1 ईयर में इंक्रीज करने वाले हैं। जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं कि लगभग 25% रिचार्ज प्लान्स को हाइक किया गया था, इससे इनकी ARPU 182 रुपीज़ से बढ़कर 220 रुपीज़ हो जाएगी। ARPU का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, और जैसे जैसे इनकी प्राइस बढ़ेगी वैसे इनका ARPU इंक्रीज होता जाएगा। फ्यूचर में इसी ARPU को 300 रुपीज़ तक ले जाने का टेलीकॉम कंपनीज का पूरा प्लान है। एक रिसेंटली इंटरव्यू में एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल जी ने कहा था, अगर 300 रुपीज़ ARPU हो भी जाता उसके बाद भी पूरी दुनिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री इंडिया में सबसे सस्ती रहेगी। अभी लगातार रिचार्ज प्लान्स हाइक होते जा रहे हैं, बट 2016 में जब 4G सर्विसें लॉन्च हुई थी उस समय रिचार्ज प्लान्स रिड्यूस हुए थे, या ऐसे कहें कि जब जियो ने अपना 4G सर्विसें लॉन्च की थी उस समय तो आपको 4G का डेटा अनलिमिटेड मिल रहा था। उसके बाद से एयरटेल के जो प्लान्स थे वो भी काफ़ी सस्ते हुए थे, फिर धीरे धीरे वोडाफोन आइडिया ने भी अपने प्लान्स को सस्ता किया था, उसके बाद इनकी प्लान्स की प्राइस इंक्रीज होती गई है। 2018-19 में ARPU लगभग 100 रुपये था, जो कि अब बढ़कर 182 रुपीज़ हो गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि इसको फ्यूचर में आगे बढ़ा के 300 रुपये तक करने का प्लान है। अब जैसे कि आपको एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताऊं, 2014 में जो इंटरनेट यूजर थे वो लगभग 13.72% थे। अभी करंट टाइम में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में इंटरनेट यूजर 52% हो गए हैं, मतलब 4 गुना ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स बढ़ गए हैं। अभी 4G डेटा भी आपको मिल रहा है, 5G डेटा भी अनलिमिटेड मिल रहा है, तो इंटरनेट यूजर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसी का फायदा टेलीकॉम इंडस्ट्रीज उठाना चाह रही हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करंट टाइम में टेलीकॉम इंडस्ट्री में 92% हिस्सेदारी सिर्फ 3 ऑपरेटर्स की है, जिसमें मेनली जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया हैं। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि लास्ट 10 ईयर में 22 ऑपरेटर्स थे, लास्ट 10 ईयर में 22 में से सिर्फ इस समय 4 से 5 ऑपरेटर बचे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो मेनली ऑपरेटर बचे हैं वो अपनी रिचार्ज की प्राइस को धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट्स के और अकॉर्डिंग देखें तो पिछले 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर में टेलीकॉम इंडस्ट्री को 2.4 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो ARPU हुआ 13.6% से बढ़कर 250 रुपये तक पहुंच जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट 7 ईयर में 36.4% से बढ़कर 300 रुपये बढ़ जाएगा। केयर रेटिंग रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री 80 रुपये तक आपका ARPU बढ़ाने पर काम कर रही है, और इसी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 1 रुपये ARPU बढ़ाने पर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को 1,000 करोड़ रुपये का प्रॉफिट होता है। तो इस वजह से कंपनीज जो हैं, या कहें टेलीकॉम कंपनीज हैं, वो धीरे धीरे ARPU को इंक्रीज करने पे पूरा प्लान तैयार कर चुकी है। तो दोस्तों इन्हीं सबको डेटा कंजम्पशन को देखते हुए ज़्यादा यूजर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसी वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री धीरे धीरे अपने ARPU को इंक्रीज करती जा रही है। तो इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि नेक्स्ट 1 ईयर में टेलीकॉम इंडस्ट्री प्लान्स को फिर से हाइक कर सकती है, वो भी एक बार नहीं कई बार, और आने वाले 4 से 5 साल में काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपका इसके बारे में क्या कहना है कि अगर अभी जैसे 3 जुलाई को प्राइस इंक्रीज हुए थे, अगर फिर से इंक्रीज हो जाते हैं इसी 6 से 7 महीने में, तो आप लोग क्या कहेंगे। डेफिनेटली आपके लिए एक सैड न्यूज़ जरूर होगी। और दोस्तों इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।